अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। आज हम बिल्ड करने वाले हैं कोर पीसी जो कि राइजन बेस्ड होगा, एएमडी के जो जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं, मोस्टली कंपोनेंट्स या मेन जो कंपोनेंट्स हमारे सीपीयू और जीपीयू दोनों हमने यूज़ कर लेने हैं एएमडी की। तो इस बिल के लिए मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि भाई 65,000 का बिल बना दो, बट मैंने जो है सुबह से बैठा हुआ था, मैं बना रहा था बिल, ठीक है। तो 60,000 रुपीज़ के अंदर अंदर हमने बिल तैयार कर लिया है और फाइनली जो मैं बिल्ड अभी आपको बताने वाला हूँ उस पर आप 1080p लेवल की अगर आप सेटिंग्स रख के गेम खेलते हैं तो आपको 60 FPS देखने को मिलेगा, और अगर आप 4K रेजोल्यूशन की सेटिंग्स कर लेते हैं उसके बाद आपको लगभग 30 FPS गेन मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप 4K रेजोल्यूशन की गेम 30 FPS के साथ कर सकते हो, और अगर आप 1080p लेवल की गेमें करते हो तो आपको 60 FPS मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छे FPS है। उसके बाद बात कर लूँ कि जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो सारे यूज में करेंगे, क्योंकि 60,000 रुपीज़ का बजट देखा जाए राइजन के बिल्ड के लिए तो काफ़ी कॉम्पैक्ट बजट है। तो इसीलिए हमने जितने भी पार्ट यूज़ करने हैं तो वो सारे यूज में, जितने भी पार्ट यूज़ करने हैं वो सारे यूज में होंगे। चलिए बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल मेरा नाम है अहसान और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग रूम, सो लेट्स स्टार्ट। जी तो पीसी का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास है हमारा प्रोसेसर जो कि है राइजन की सीरीज का राइजन 5 1600। और इसके स्पेक्स में आपको पहले बता देता हूँ, तो इसके अंदर जो आपको कोर्स देखने को मिलते हैं वो 6 कोर्स है, और थ्रेड्स की बात कर लीजिए तो 12 थ्रेड्स मिल रहे हैं। बेस क्लॉक की बात की जाए तो 3.2 GHz की बेस क्लॉक है, और उधर ही मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक की बात की जाए तो 3.6 GHz की आपको बूस्ट क्लॉक मिल रही है। जिधर कैश की बात कर ली जाए तो 16 MB का कैश है, और नैनोमीटर जो है 14 नैनोमीटर पर ये जो है हमारे पास प्रोसेसर बेस्ड है। और बात कर लीजिए इसके सॉकेट की, किस सॉकेट का है, तो ये AM4 सॉकेट के जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वाला है। और साथ साथ इसके जो है बता दूं कि AMD का जो ये प्रोसेसर है हमारे पास ये अनलॉक्ड है, यानी कि हम इसको इजीली ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद मेमोरी की बात कर लीजिए, एक जो प्रोसेसर ये सपोर्ट करते हैं तो ये प्रोसेसर जो है DDR4 रैम्स जो है, DDR4 की रैम जो है वो सपोर्ट कर लेता है, डुअल चैनल जो है इसमें सपोर्टेड है। उसके बाद बता दूं कि ये जो है 2000 MHz जो है काफ़ी इजीली जो है यूटिलाइज कर लेता है, फ्रीक्वेंसी आपके रैम की अगर 2500 हुई तो ये काफ़ी इजीली उसको जो है चला लेगा। उसके बाद जो है इसके की फीचर्स वगैरह, तो ये Zen 2 आर्किटेक्चर जो है AMD के ज़्यादातर प्रोसेसर में होते हैं तो वो इसी पर बेस्ड है। ये प्रोसेसर जो है आपको मिल जाएगा इजीली 17,000 रुपीज़ का यूज्ड मार्केट में। न्यू मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, यूज्ड की बात कर रहा हूँ। न्यू में भी आप जाएंगे तो 18-19 तक का मिल जाता है, बट यूज में अगर आप लेंगे तो 16,000 से 17,000, क्योंकि ज़्यादा यूजर्स नहीं है इसके राइजन के, वैसे भी पाकिस्तान में बहुत कम यूज़र होते हैं या AMD के बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए जो आपको यूज में मिलते हैं काफ़ी मुश्किलों से मिलते हैं, बट मिलने के बाद 17,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा राइजन 5 1600। इसके बाद मदरबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो मदरबोर्ड के केस में हमने सेलेक्ट किया है A320 जो कि MSI की तरफ से आता है, यानी कि AMD की तरफ से ही आता है, गीगाबाइट MSI सारे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो A320 जो है इसके अंदर आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि Ryzen 7 तक, Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 के जितने भी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं सारे इस मदरबोर्ड में हमारे पास सपोर्टेड होते हैं। और इस मदरबोर्ड में जो PCIe आपको देखने को मिलता है वो 3.2 है जो कि हमारे प्रोसेसर्स का भी है, तो इसलिए हमने दोनों का कॉम्बो बनाया है। और इसके अंदर DDR4 की रैम भी सपोर्टेड है, और दूसरी बात ये कि दो डुअल चैनल है जो जिसपे अगर आप दो स्टिक्स लगाएंगे, इस पर दो स्टिक्स लगाएंगे, यानी कि अगर 4 8GB यूज़ करनी है 4 8GB की दो लगाएंगे, और अगर 16GB यूज़ करनी है तो 8 8GB की दो लगाएंगे, तो आपको काफ़ी बेस्ट फ्रिक्वेंसी देगा। तो A320 की जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, यूज मार्केट में 8,000 या 9,000 रुपीज़ में मिल जाता है, और अगर आप न्यू बाय करते हैं तो लगभग 12,000 या 10,000 के अंदर अंदर मिल जाता है, बट हमने यूज में लेना तो 9,000 हम एज्यूम करेंगे कि आपने A320 ले लेना है 9,000 रुपये का। इसके बाद हम अपनी रैम की तरफ चलते हैं, और रैम के बारे में आपको बता दूँ कि हमने इधर यूज़ किया है 8GB रैम जो कि हमें लगभग 5,000 रुपये की पड़ी है, क्योंकि DDR5 की थी तो DDR3 की रैम इजीली 3,000 3,500 के अंदर मिल जाती है, बट 5,000 रुपीज़ के अंदर अंदर हमने DDR4 की 8GB रैम ले लेनी है, जो कि आपको फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप 2500 फ्रीक्वेंसी वाली लेते हैं या 2537 आई थिंक, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी बेस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों मिलकर आपको अच्छी वाली परफॉर्मेंस देंगे। तो रैम का यही था कि 8GB रैम आपने सेलेक्ट कर ली है 5,000 रुपये की। उसके बाद हार्ड डिस्क के केस में आपने SSD हम नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि हमने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा फोकस रखना है, तो हार्ड डिस्क के केस में हमने 500GB की हार्ड डिस्क यूज़ करनी है जो कि इजीली आपको 1.5K तक मिल जाती है यूज्ड मार्केट में।
और एक बात जरूर चेक करनी है कि जो आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ है वो 100% होनी चाहिए, यानी कि आपकी हार्ड डिस्क जो है वो बहुत रफली यूज नहीं होनी चाहिए या उसके अंदर कोई वायरस वगैरह नहीं होना चाहिए। आपने चेक कर लेना उसको इजी अच्छे तरीके से, और इंशाल्लाह अगर मैं मुझे कहीं से मिलने तरीका तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप हार्ड डिस्क को किस तरह चेक करेंगे बाय करने से पहले। इसके बाद पावर सप्लाई के केस में हमने चूज किया कॉर्सियर की तरफ से आने वाली CS550M, जो कि आपको इजिली 2000 रुपीज के अंदर अंदर मिल जाती है, और ये पावर सप्लाई जो है काफी बेस्ट है। आप इसके अलावा और भी ले सकते हैं, लेकिन बजट याद रखना है 2000 रुपीज के अंदर अंदर लेना है, जिसमें आपके ग्राफिक कार्ड की पावर पिन होनी चाहिए 6x8 वाली। तो इस जो पावर सप्लाई आपको 2000 रुपए की कॉर्सियर की तरफ से आने वाली CS550M जो है आपने ले लेनी है। उसके बाद केसिंग पे चलें तो केसिंग आपने 1000 रुपए के अंदर अंदर कोई भी ले लें, साइड पैनल वाली भी आपको यूज मार्केट में मिल जाएगी, और अगर आप साइड पैनल वाली नहीं लेना चाहते तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, 500-700 तक आपको इजीली केसिंग मिल जाती है। इसके बाद अपने मेन कंपोनेंट की बात करते हैं जो हमें गेमिंग कराएंगे इस पीसी के अंदर रहते हुए, वो हमारा है RX 580 8GB वाला। AMD की तरफ से ये ग्राफिक कार्ड ये हमें VRAM प्रोवाइड करता है, वो 8GB VRAM प्रोवाइड कर लेता है। और उसके बाद इसकी बेस फ्रीक्वेंसी की बात कर ली जाए तो 1300 MHz की बेस फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड, 1200 MHz की बेस फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, जबकि बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1300 MHz की प्रोवाइड कर लेता है। उसके बाद इसकी टेक्सचर यूनिट की बात की जाए तो ये 144 टेक्सचर यूनिट्स के पे बेस्ड है। उसके बाद इसके पावर सप्लाई की बात कर लीजिए तो 185 जो है ये वाट्स खुद कंज्यूम करती है, और 500 वाट्स इसके अंदर जो है रिकमेंडेड है, लेकिन हमने 550 की वाट्स की पावर सप्लाई यूज़ करनी है ताकि हमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके। उसके बाद इसकी अपनी जो मेमोरी की स्टेटस में आपको बता देता तो 8GBPS इसका अपनी जो मेमोरी साइज है वो स्पीड है, ठीक है। उसके बाद जो GPU टाइप है यानी कि मेमोरी टाइप है वो GDDR5 है, मेमोरी इंटरफेस जो है वो 256 बिट है, और बैंडविड्थ जो है वो भी 256 बिट है। और तो और ये ग्राफिक कार्ड जो है आपको 4K रेजोल्यूशन की गेम्स भी करा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो HDMI का पोर्ट गिवन है हमें वो 4K रेजोल्यूशन के कैपेबल है। और प्राइस की बात कर लीजिए तो ये जो ग्राफिक कार्ड है ये आपको इजीली हर मार्केट में मिल जाता है 20,000 से लेके 25,000 रुपीज़ के अंदर अंदर। मुझे पता है 20 से 25 के अंदर बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स के आ जाते हैं, XFX वाले आ जाते हैं, OC वाले आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडिशंस आ जाती हैं, बट आपने 22,000 के अंदर अंदर रहते हुए जो आपको बेस्ट मिल रहा हो आपने वो ले लेना है। OC वाला कोशिश करें क्योंकि OC वाली की थोड़ी सी ओवरक्लॉक्ड हो चुका होता है वो कंपनी से, तो वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, बट अगर आपको OC वाला नहीं भी मिलता तो आप कोई भी ले लें 22,000 रुपीज़ के अंदर ही रहते हुए। इसके बाद हमारे पास जो स्टॉक कूलर आता है अगर आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते, या अगर आपको 16,000 रुपये में रहते हुए Ryzen 5 के साथ आपको स्टॉक कूलर नहीं मिलता, तो हमारे पास 2000 रुपीज़ के अंदर अंदर एक ऑप्शन मौजूद है जो कि एरोकूल की तरफ से आने वाला है। हमारे पास एक है कूलर जिसका नाम है वेरको टू, आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं, बट यही स्पेलिंग है जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। तो आपने ये जो है हमारे पास फैन है कूलर है ये आपने ले लेना है, हीट सिंक इसमें अवेलेबल है, तो आपने इसको यूज कर लेना, आपको इजिली 2000 रुपीज़ का यूज मार्केट में ये मिल जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारे पीसी की वो लगभग अभी बन गई है 60,000 रुपीज़ और 500 साथ में, उसके साथ 60,500 रुपीज़ का एक पीसी बन गया है। एट दिन बेंचमार्क की बात कर लीजिए तो बेंचमार्क के केस में 1080p मैं बता दूंगा, 1080p पे आपको 60fps मिल जाता है, और 60fps के अलावा 4K रेजोल्यूशन पे आपको इजीली 30fps मिल जाता है, और अगर आप 144p पे चलाते हैं 1440p पे यानी कि अगर तो आप चलाते हैं तो अगर आपको 45fps तक मिल जाता है या 45 to 50fps के दरमियान में मिल जाता है। और जो बेंचमार्क वगैरह की वीडियो या पोस्ट वगैरह आर्टिकल वगैरह वो आपको इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पीसी बिल्ड पसंद है, अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली तमाम वीडियोज आप तक जरूर पहुंचे। तो मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।